हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आरएमसी के कॉन्सेप्ट सीरीज़ पे। और आज हम लोग मैथ्स में देखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दरअसल ऐसे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इन ही कॉन्सेप्ट्स में बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इससे पहले हमने डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट देखा था और आज हम लोग देख रहे हैं टैक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर मैंने जीएसटी लिखा है, आपको ये क्वेश्चन जीएसटी के रूप में भी मिल सकता है या वैट। जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। लेकिन एक प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक पे या सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में कैसे टैक्स लगेगा या किस तरीके से आपको क्या अमाउंट लास्ट में टैक्स के साथ पे करनी पड़ेगी उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि याद रखना कि हमेशा जो टैक्स लगेगा ना, टैक्स लगेगा हमेशा सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। जिस प्राइस में कोई भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है उसी प्राइस में टैक्स लगता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में टैक्स नहीं लगता या मार्केट प्राइस में टैक्स नहीं लगता, सेलिंग प्राइस में हमेशा टैक्स लगता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस दिया है आपको 100 रुपीज़, ठीक है। और इस प्रोडक्ट में डिस्काउंट है कितने का, 20% का सपोज। तो 20% के डिस्काउंट के बाद ये प्रोडक्ट जो पड़ेगा वो कितने का पड़ेगा, वो पड़ेगा 80 रुपीज़ का। सो 80 रुपीज़ इज द सेलिंग प्राइस, तो इसमें टैक्स लगेगा। सपोज इसमें अगर जीएसटी लग रहा है, 10% का जीएसटी लग रहा है, तो जीएसटी के बाद जो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, देखिए टैक्स ये ऐड होगा, ठीक है। टैक्स जो ये जो टैक्स लग रहा है ना, वो लग रहा है सेलिंग प्राइस में, एंड दिस अमाउंट यू हैव टू पे टू द शॉपकीपर। लेकिन शॉपकीपर इसको आगे गवर्नमेंट को देगा, सरकार को देगा, ठीक है। सरकार का टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप 10% निकालोगे, 8 रुपीज़। तो जो अमाउंट आपको फाइनली पे करना पड़ेगा, अमाउंट टू बी पेड फाइनली इज गोइंग टू बी 80, जो कि आपने देना ही था, ठीक है। लेकिन साथ में क्योंकि आप टैक्स भी दे रहे हो 10%, सो प्लस 8 इज नथिंग बट दैट 10% टैक्स, और आपको देना पड़ेगा 88 रुपीज़, जिसमें शॉपकीपर के तो 80 रुपीज़ हैं। जो आप 8 रुपीज़ दे रहे हैं, जो आप शॉपकीपर को दे रहे हैं, बेसिकली वो आप इनडायरेक्टली किसको दे रहे हैं, सरकार को, ठीक है। तो सरकार कहती है कि आप शॉपकीपर्स को टैक्स दो और हम उनसे ले लेंगे, ठीक है। तो ये तरीका है टैक्स देने का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि टैक्स हमेशा किस में लगता है, सेलिंग प्राइस में, ठीक है। इसी पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। आरएमसी में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन है अमित परचेजेस अ मोटरसाइकिल हैविंग मार्क्ड प्राइस। तो आपको ना मार्क्ड प्राइस दिया, देखिए एक मोटरसाइकिल है उसका मार्क्ड प्राइस दिया आपको, कितना दिया है, 46,000 रुपीज़, ठीक है, ओके। फिर आपको डिस्काउंट भी दिया है, कितना है, 5% का डिस्काउंट दिया है। फिर बोला इफ वैट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10%, तो वैट भी लगा लेंगे। सेम जो हमने अभी एग्जाम्पल देखा उसी पर क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट अमित हैज टू पे, ठीक है। तो कितनी अमाउंट पे करेगा अमित, जो भी सेलिंग प्राइस निकलेगी, और साथ में जो टैक्स होगा वो भी ऐड करेगा क्योंकि वो टैक्स गवर्नमेंट को जाएगा। तो पहले यहाँ पर एसपी निकाल लेते हैं, हमें पता है एसपी इज अ फंक्शन ऑफ एमपी, डिस्काउंट के केस में 100 माइनस डी अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पर एसपी इज अ फंक्शन ऑफ एमपी, कितना हो गया, 46,000 इंटू 5% डिस्काउंट का मतलब कितना है, 95। तो 95 बाई 100, 20 से 20 कैंसिल कर लो, कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 46, 95, 6, 5 से 30, कैरी 3, 23, 9, 6 से 54, कैरी 5, 36, 41, तो ये आ रहा है 0734370, ठीक है। और एक जीरो और ऐड हो जाएगा, तो 43,700 कितना आ गया मेरा एसपी, मेरा एसपी आ गया है 43,700, ठीक है। तो 46,000 की जो मार्क प्राइस थी मोटरसाइकिल की, डिस्काउंट के बाद 5% डिस्काउंट के बाद आपको वो जो मोटरसाइकिल है वो कितने की पड़ रही है, 43,700 की। लेकिन आपको ये पे करना है नहीं, आपको 10% का टैक्स भी पे करना है। तो 10% का जो वैट लगेगा वो किस में लगेगा, वो सेलिंग प्राइस में लगेगा। यहाँ पर बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं। तो इसका 10% कितना आ जाएगा, 4370, वैसे भी निकाल सकते हो आप, इट्स 10% इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 इंटू 43700, ऐसे निकाल लेना फॉर्मेलिटी के लिए, और यह आ जाएगा 4370 रुपीज़। और जो अमाउंट यू हैव टू पे या अमित हैज़ टू पे, तो कौन कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा लास्ट को, लास्ट में आपको एक तो जो सेलिंग प्राइस है कितनी, 43,700 प्लस जो आपने 10% का टैक्स दिया है और वो है 4370। सो एट द एंड आपको जो टोटल अमाउंट देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा शॉपकीपर को 0708 48,070 रुपीज़ यू हैव टू पे एट द एंड, ठीक है। इसमें टैक्स भी है, ठीक है। तो शॉपकीपर को तो 43,700 ही मिलेगा, जो आप एडिशनली 4370 पे कर रहे हो वो सरकार को पे कर रहे हो इनडायरेक्टली,
ठीक है, वो गवर्नमेंट को जाएगा टैक्स, जिसको हम लोग यहाँ पर वैट बोलते हैं, ठीक है, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये पहले चलता था, अब नई सरकार आई तो उन्होंने जीएसटी कर दिया, सारे टैक्स को कंबाइन कर दिया। कोई नई सरकार आएगी तो फिर से कुछ टैक्स का नाम चेंज हो सकता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये टैक्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बस इतना ध्यान रखना, टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है और बाकी तो कॉन्सेप्ट पूरा परसेंटेज का ही है, ये सारी वैल्यूज़ निकालना, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरीके के अगर आप और कॉन्सेप्ट सीरीज़ हमारी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।